हर थाने में शनिवार को दरोगा और मतलब सीओ या रेवेन्यू पदाधिकारी, थाना प्रभारी या थाना या एक उसके सबोर्डिनेट कोई हो या सीओ या उनके एक सबोर्डिनेट हो, वो बैठेंगे और उस इलाके में इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने बताया है साफ तौर पर कि जो दाखिल खारिज में जो समस्या आता था वो अब नहीं होगा, क्रमबद्ध तरीके से दाखिल खारिज किया जाएगा और कोई पैर भी नहीं चलेगा। क्या कुछ कर रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, पहले सुन उनकी बातों को। भूमि जो है हर व्यक्ति के पास है और भूमि का से संबंधित जो परेशानियां हैं कमोबेश आज जितनी है उससे दोगुना साल भर पहले उससे पहले रही होगी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जो सुधार किए हैं उस सुधार की वजह से जो मूल परेशानियां थी दाखिल खारिज सबसे बड़ी परेशानी उसमें काफ़ी कमी आई है। आज भी जितने भी लोग आए हैं सब सामान्य किस्म के केसेस हैं कि किसी उनके रैयती ज़मीन पर उनके पटीदार ने 2 इंच बढ़ा के बना लिया, तो मैंने कोई कब्जा कर लिया या कोई तो इस तरह के केसेस दो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। एक होम डिपार्टमेंट जहाँ पर पुलिस का इंटरवेंशन होना चाहिए और यहाँ रेवेन्यू से रिलेटेड थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उसके लिए शनिवारीय व्यवस्था बनाई गई है कि हर थाने में शनिवार को दरोगा और मतलब सीओ या एक रेवेन्यू पदाधिकारी, थाना प्रभारी या थाना या एक उसके सबोर्डिनेट कोई हो या सीओ या उनके एक सबोर्डिनेट हो, वो बैठेंगे और उस इलाके में इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे जहां निजी रैयती ज़मीन पर किसी तरह की बात हो। जहां तक सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट का मामला है तो उसको सरकार बहुत सख्ती से अपने एग्जीक्यूटिव पावर से उसका समाधान निकाल रही है या फिर जो क्वेसी जुडिशियल पावर हमारे पदाधिकारियों को मिला हुआ है उस स्तर पर जो है मतलब अतिक्रमणवाद चलाकर और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में आज के दिन आम आदमी की सुविधाएं बढ़ी हैं रेवेन्यू के मामले में कि दाखिल खारिज के जो केसेज हैं वो बहुत स्मूथ हुए हैं। उसकी वजह है कि दाखिल खारिज को फीफो कानून के साथ जोड़ दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी, जिसके जो कम संसाधन के लोग जिनकी जो छूट जाते थे पीछे, उन सारे लोगों का दाखिल खारिज अब हो रहा है और किसी भी अरवी पैरवी से सीरियल नंबर तोड़ के दाखिल खारिज नहीं होता है। यह और इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें उसका कंप्यूटराइजेशन हुआ है ताकि कोई पिलफरेज ना रहे और जो दाखिल खारिज के केसेस को रिजेक्ट किया जाता था उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अब 50 शब्दों में रिजेक्शन का कारण दे रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से हो रही है। इसलिए तमाम जो ऐसी संभावनाएं जिससे आम आदमी को परेशान होना पड़ता था उन सभी संभावनाओं का अध्ययन करके और इसमें यह सुधार किया गया है। उसके साथ ही साथ जो यह डायरेक्टिव जारी किया गया और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश हो रही है कि एक कोर्ट में एक केस एक ही बार सुनवाई होगा और रिपीट नहीं होगा और एक कोर्ट एक ही बार एक केस के बारे में फैसला देगा, तो इससे क्या है कि इसका जो क्वेसी जुडिशियल सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा संगठित है और मैं समझता हूँ कि आम आदमी की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से देख रहा है। तो आपने सुना आलोक मेहता किस तरह से जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से दाखिल खारिज में जो समस्या होते थे लोगों को और इसको लेकर अब सरकार ने एक नया वेबसाइट जारी कर दिया है और क्रमबद्ध तरीके से दाखिल खारिज किया जाएगा और किसी तरह का कोई पैर भी नहीं चलेगा और जो काम है जो आसान तरीके से किया जाएगा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।